नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। कृषि कानून को लेकर सरकार के सामने किसानों का कड़ा रुख, लिखित में मांगा जवाब, कहा बहुत हुई चर्चा। जी हाँ, कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों में टकराव बढ़ गया है। सरकार और किसान नेताओं के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में पांचवें दौर की बातचीत चल रही है। बैठक में सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया है। किसान नेता कृषि कानून रद्द कराना चाहते हैं। आपको बता दें, किसान संगठनों ने बैठक में कहा कि हम सरकार से चर्चा नहीं, ठोस जवाब चाहते हैं और वो भी लिखित में। अब तक बहुत चर्चा हो चुकी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। तो वहीं बैठक में किसानों के 40 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इस बैठक से पहले ही किसानों ने तेवर दिखा दिए थे। सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि केंद्र सरकार का कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। WHO ने कहा, वैक्सीन नहीं है कोई जादू की गोली, अगले साल की शुरुआत में ही सबको नहीं मिलेगा टीका। जी हाँ, एक तरफ दुनिया कोरोना वैक्सीन आने की खबरों से उत्साहित है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना के संकट के लिए वैक्सीन कोई जादू की गोली नहीं है। संक्रमण से निपटने के लिए राष्ट्र बड़े पैमाने पर रोल आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। WHO के शीर्ष स्वास्थ्य निदेशक माइकल रायान ने कहा कि टीके के आने का मतलब कोविड का पूरी तरह खत्म हो जाना नहीं है, इसे अगले साल की शुरुआत में हर कोई को प्राप्त नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बेशक वैक्सीन के आ जाने से हमारी मेडिकल किट में एक प्रमुख शक्तिशाली उपकरण जुड़ गया है, लेकिन वह अकेले ही सारा काम नहीं कर पाएगी। WHO के महानिदेशक डॉक्टर ट्रेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने वैक्सीन को एक गहरी सुरंग में निकलते हुए रोशनी की तरह बताया। उन्होंने कहा कि लोगों में यह धारणा बढ़ रही है कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह अभी भी बहुत तेजी से फैल रहा है। टीका लगाने के बाद भी संक्रमित हुए अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी ये सफाई। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोवैक्सीन दो खुराकों वाला कोरोना वायरस टीका है और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को सिर्फ पहली खुराक दी गई थी। विज ने घोषणा की है कि वह कोरोना से फिर से संक्रमित हो गए हैं। कोवैक्सीन एक स्वदेशी संभावित टीका है जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर भारत बायोटेक विकसित कर रहा है। अनिल विज ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण में पहला स्वयंसेवी बनने की पेशकश की थी। संक्रमित होने की अनिल विज की घोषणा के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टीका की दूसरी खुराक लेने के कुछ दिन बाद ही किसी व्यक्ति में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह दो खुराकों वाला टीका है और मंत्री ने टीके की केवल एक खुराक ही लगवाई थी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दूसरी खुराक लेने के बाद एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है और पहली खुराक के 28 दिनों के बाद दूसरी खुराक दी जाती है। इसी बीच की अवधि में कोई सुरक्षा नहीं होती। 27 वर्षीय अनिल विज को 20 नवंबर को पहली खुराक दी गई थी, जिसके बाद वो फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 50 रुपए किलो बिकने वाला आलू जल्द होगा सस्ता, 28 रुपए तक घट सकते हैं दाम। जी हाँ, प्याज के साथ आलू की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। त्योहारी सीजन के बाद आलू के दाम में और अधिक इजाफा देखा गया है। ज़्यादातर शहरों में आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन अब जल्द ही आसमान छू रही कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम बंगाल से सप्लाई बढ़ना है। हालांकि पश्चिम बंगाल में भी यह अब भी 50 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं बिहार के दरभंगा जिले में कीमत 45 रुपए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यह 45 रुपए और दिल्ली NCR में आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 27 नवंबर को जारी एक नोटिस में 465 कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को 30 नवंबर तक अपने बचे हुए स्टॉक का निपटान करने को कहा था, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। नोटिस के बाद कोल्ड स्टोरेज के मालिकों में दहशत है। एक अधिकारी ने कहा कि पिछले 3 दिनों में आलू की कीमतों में कोल्ड स्टोरेज रेट पर 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है और आगे भी इसमें गिरावट आने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को रखेंगे नई संसद भवन की आधारशिला, करेंगे भूमि पूजन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई संसद की आधारशिला रखेंगे। यह जानकारी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने दी है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार पीएम मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में नई संसद भवन की नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद शिलान्यास के तारीखों की जानकारी दी गई। आपको बता दें, नई संसद को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है, जो लगभग 861.90 करोड़ रुपए की लागत से संसद की नई इमारत बनाएगी। ये इमारत मौजूदा संसद भवन के नज़दीक ही बनेगी। लगभग 21 महीनों में इसके पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। नई बिल्डिंग में संयुक्त सेशन चलने पर भी 1350 सांसदों के बैठने के लिए अच्छी खासी जगह होगी। ब्रिटेन के बाद बहरीन बना फाइजर के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला दूसरा देश। जी हां, ब्रिटेन के बाद बहरीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है, जिसने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और उसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी दी है। बहरीन की सरकारी संवाद एजेंसी ने इसकी घोषणा की है। एजेंसी ने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के गहन विश्लेषण और समीक्षा के बाद बहरीन के स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। हालांकि बहरीन ने यह नहीं बताया कि उसने टीके की कितनी खुराक खरीदी है और टीकाकरण कब से शुरू होगा। सीएम हाउस में नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में फिर बने सियासी समीकरण के संकेत। जी हां, बिहार की सियासत में फिर कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस बात के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुपचुप मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिसंबर को ये मुलाकात एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास में हुई थी। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि मुलाकात के पहले नीतीश कुमार ने फोन पर समर्थन में बोलने के लिए धन्यवाद दिया था। आपको बता दें, हाल ही में जब 17वीं बिहार विधानसभा में पहले सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व एनडीए के विधायकों पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आक्रोशित हो उठे थे और पहली बार सदन में उन्हें काफी तल्ख अंदाज में देखा गया था। उन्होंने तेजस्वी यादव के आचरण को अशोभनीय कहा था। इसी बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के व्यवहार की आलोचना करते हुए सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़े रहने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने कहा, मेरे चाचा क्रूर और विश्वासघाती, व्हाइट हाउस से निकलने के बाद भेजो जेल। जी हां, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मेरी ट्रंप ने कहा कि उनके चाचा अपराधी, क्रूर और विश्वासघाती हैं और व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। मनोविज्ञानी एवं लेखिका मेरी अपने पिता के छोटे भाई डोनाल्ड की मुखर आलोचक हैं। उन्होंने इस विचारधारा को सिरे से खारिज किया कि ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने से देश में राजनीतिक विभाजन और भी गहरा जाएगा। मेरी ने एसोसिएट प्रेस को इस हफ्ते दिए साक्षात्कार में कहा कि बार बार यह कहा जाना निश्चित ही अपमानजनक है कि अमेरिकी लोग इससे निपट सकते हैं और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वाकई में किसी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए तो वह है डोनाल्ड ट्रंप, अन्यथा इसका मतलब यह होगा कि हम उससे भी खराब किसी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में सिंधु बॉर्डर पहुंचे दिलजीत दोसांझ, बोले कोई खून खराबा नहीं हो रहा है। जी हां, सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ शनिवार को सिंधु बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से मिले। किसानों का समर्थन करते हुए पंजाबी व बॉलीवुड फिल्म स्टार दिलजीत दोसांझ ने कहा कि वह सरकार से किसानों की मांगे मानने का अनुरोध करते हैं। आपको बता दें, केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर बने गतिरोध को तोड़ने का प्रयास करते हुए सरकार ने शनिवार को आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों से कहा कि वह खुले दिमाग से उनकी समस्त चिंताओं पर ध्यान देने को तैयार हैं। सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ सिंधु बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया और कहा कि केंद्र से हमारा केवल एक ही अनुरोध है कि हमारे किसानों की मांगों को पूरा करें। सभी लोग शांति से बैठें और पूरा देश किसानों के साथ है।
दिलजीत दोसांझ ने कहा कि ट्विटर पर चीजों को घुमाया जाता है, मुद्दों को ना भटकाया जाए। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सरकार से भी गुजारिश है कि हमारे किसान भाइयों की मांगों को मान लें। यहां सब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, कोई खून खराबा नहीं हो रहा है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड से 1 जनवरी से कर सकेंगे 5,000 रुपये तक का भुगतान। जी हाँ, कोरोना काल में देश में डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ गया है, इसीलिए इसे और बढ़ावा देने के मकसद से केंद्रीय बैंक ने अगले साल 1 जनवरी से कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का फैसला किया है। मतलब अब कॉन्टैक्टलेस कार्ड से 1 जनवरी 2021 से आप 5,000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के लिए किए गए फैसले की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान की सीमा भी 1 जनवरी से 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का ऐलान किया। RBI ने कहा कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन से ग्राहकों की सहूलियत बढ़ी है और कोरोना महामारी के दौरान हालत में खास तौर से यह भुगतान का सुरक्षित तरीका है। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।